जब कोई फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल दिया और हमने कोई फॉर्मूला लिखा, जैसे हमने फॉर्मूला आई लिखा, तो जितने फॉर्मूले के लिस्ट है इसके नीचे आ जाएंगे आप। और जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको उस फॉर्मूले को एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस तरह से एरो की प्रेस कीजिएगा तो ऊपर नीचे फॉर्मूले में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला का एक शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट नॉलेज आपको यहाँ आएगा। अब जिस फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है जस्ट उसको टैब प्रेस कर दीजिए, आपके सामने वो फॉर्मूला आ जाएगा पूरा का पूरा लिखा हुआ। और नीचे जो आता है इसको इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, कि इसमें तीन आर्गुमेंट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉजिकल टेस्ट जो है नॉर्मल है, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है वो रिक्वायर्ड है। अगर मैं एंटर प्रेस करते हैं तो ये मुझे नहीं आने देगा, हमें बाहर नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने दिया बाहर? क्योंकि लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है। अगर मैं लॉजिकल टेस्ट जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इक्वल टू जीरो एंड कॉमा दे दिया, मतलब कि हमने लॉजिकल टेस्ट को कंप्लीट कर लिया, अब एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे बाहर आने देगा। और ये फॉर्मूला, ये जो चीजें सिर्फ इफ में ही नहीं, जैसे कि अगर आप लगाते हैं इफ एरर, तो इस एरर में देखिए दोनों के दोनों विदाउट ब्रैकेट है, मतलब क्या, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। अगर आप वी लुकअप लगा लीजिए तो वी लुकअप में देखिए लुकअप वैल्यू टेबल एरर इंडेक्स नंबर क्या है, रिक्वायर्ड है, रेंज लुकअप ऑप्शनल है। उसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में देखिए, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में भी सेम इसी तरह से आपको दिखेगा कि आपका इंस्टेंस नंबर जो है ये आपका ए है, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल और रिक्वायर्ड दो चीज समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि आर्गुमेंट का नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जैसे कि आपने इफ दिया तो इफ में आपको तीन आर्गुमेंट दिख रहा है, अगर आप इफ एरर देते हैं तो इफ एरर में आपको दो आर्गुमेंट दिख रहा है। तो ये तो फिक्स आर्गुमेंट है, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जैसे कि सम। तो सम के अंदर में आप देखेंगे कि नंबर वन, नंबर टू और लास्ट में डॉट 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 दिया हुआ है, तीन डॉट। इसका मतलब हुआ कि नंबर्स, मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से आप अगर बात करें इसकी सम इफ की, सम इफ्स की, तो सम इफ्स में आपको यहाँ पे सम रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन रेंज और यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए कि ये कोई ऑप्शनल रिक्वायर नहीं है, अगर आपने जो डाला तो डालो वरना ना डालो, ये ऑप्शनल और रिक्वायर का झंझट नहीं है, ये नंबर्स है, अपने हिसाब से दे सकते हो। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट होता ही नहीं है, जैसे कि नाउ फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूले में आप देखेंगे टैब देंगे तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिखेगा। उसी तरह से ये नाउ फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं एड इन्स के जो आपको लिस्ट में दिखेंगे ही नहीं, जैसे कि डेट एड इफ, डेट डी आई एफ। अब जैसे ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे तो नीचे आर्गुमेंट के लिए सिर्फ नाम आएगा और उसके आगे कुछ नहीं आएगा। अगर फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो इसका फंक्शन का हेल्प भी अवेलेबल नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा, ये एड इन्स फॉर्मूला है, ये एक्सेल की फॉर्मूला नहीं है, बाद में एक्सेल में ऐड की गई फॉर्मूला। बात आती है, अब ये हो गई फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में हम समझ गए। तो अब बात करते हैं कि यहां पे कि गेटिंग हेल्प फ्रॉम द इंस्टॉल फंक्शन विजार्ड। अब मान लीजिए कि अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल फॉर्मूला जो है, फाइनेंशियल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है यहाँ पे डीडीबी, मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो इस बेटर रहेगा कि आप पहले हेल्प पे आ जाए। हेल्प पे आने के बाद डीडीबी का यहाँ पे आपको निकल जाएगा डिफिनेशंस की क्या डिफेंड करता है, डिप्रिसिएशन अमाउंट रन करता है। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपको इनके डिफरेंट डिफरेंट जो इनपुट्स है उनका मिलेगा। यहाँ पे इज द कॉस्ट द असेस्ड,
इस पे क्लिक किया तो इज सैलवेज वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द लाइफ फॉर असेस्ड लाइफ तो इज अ नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच हैव असेस्ड विंग द डिप्रिसिएट समटाइम कॉल्ड द यूजफुल द असेस्ड लाइफ ऑफ द असेट्स पीरियड फैक्टर। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि इसमें इनपुट क्या डालना है और यही पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। फिर भी आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं इस पे और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्प ऑन दिस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका हेल्प खुल के आ जाएगा और हेल्प में आपको इसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। ये आपका था आर्गुमेंट के बारे में।